गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो की झटपट रेसिपी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फूड में कुछ बनाने के लिए, तो आज मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए मैंने रवा लिया है, उसके बाद बारीक पर कटा हुआ प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है, उसमें मैंने गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाला है, सॉल्ट डाला है, हल्दी डाली है, और फिर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला है, और इसमें मैंने चावल का और गेहूं का थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे मैंने आलू को जो है बारीक किस कर लिया है। अब ये सारा मैं एक इसमें ऐड करूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रखूँगी। अगर आपके पास कर्ड होगा या लेमन होगा तो आप इसको भी, कर्ड या लेमन को भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसके बाद मैं बनाऊँगी इसके पराठे। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ, और अभी जो मैंने पराठे के लिए मैंने सब मिक्सचर रेडी करके रखा था, तो अब मैं बनाऊंगी पराठे। सो आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, सो स्टे ट्यून विद मी गाइस। तो मैं जो मिश्रण रेडी करके गई थी वो अभी इसको रखे हुए एक घंटा हो गया है, सो अभी मैं इसके बनाती हूँ पराठे। तो यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे हैं, यहाँ देख सकते हो आप क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं। ये मेरे सारे पराठे बनके रेडी है, ये मेरे सारे पराठे बनके रेडी है। तो मैं पराठे खा के ऊपर आ रही हूँ, पराठे बहुत ही सुंदर थे, बहुत टेस्टी थे, और मेरे रूममेट के लिए भी एक पराठा लेके जा रही हूँ मैं, और एक हिना के लिए बॉक्स में रख दिया है। I hope you guys like my recipe. So please try that recipe and let me know in the comment session. So अभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और फिर stay tuned with me. Next वाला वीडियो जल्दी आएगा, so मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। अगर चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।